Fuck this. तूं कू जामन कू तूं को जामन को तूं कू जामन कूा तूं को जामन को तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता मैं खता ही खता तू कुजामन कुजा तू कुजामन जामन चम के साय तले अब आना है अपने पाकिस्तान को बचाना है इस पर चम के साय तले अब आना है अपने पाकिस्तान को बचाना है अमन का पर चम लहराना है अपने पाकिस्तान को बचाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा जमी खोई तो तुमको अमां कोई नहीं देगा वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो इसी को जिंदगी समझो इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो सदर आली मरतबत मैं जब तारीख का मुताला करता हूँ तो खुद को कई बर्स पीछे महसूस करके मैं देखता हूँ जनाब सदर मैं देखता जमो हिम्मत की तस्वीर शहीद के लहू से लिखी गई तहरीर, की तस्वीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर इकबाल के खाब की ताबीर मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब ओ जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर नूर बनकर उभरता है तो अदू ये जलकर कहते हैं कि पाकिस्तान माहौ साल से ज्यादा चल ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा मगर आज मगर आज तारीख यह देखती है कि अल्लाह के, अल्ला के फजलो करम से ना सिर्फ हम कायम दायम हैं बल्कि अपने अंत जद्दोजहद के नतीजे में तरक्की की मनाजिल भी तय कर रहे हैं जब अपना काफिला आजमो यकीन से निकलेगा जब अपना काफिला आजमो यकीन से निकलेगा जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा जी नाजरीन इस टाइम हम पंजाब कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और आज पंजाब कॉलेज सेलिब्रेट कर रहा है जश्न आज़ादी को और मैं ये कहूँगा कि सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तो हमारे साथ हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब हैं और इस टाइम काय मुकाम प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल साहब हमारे किसी काम की वजह से गए हुए हैं बाहर तो आप काय मुकाम प्रिंसिपल हैं हमारे जनाब राना सरवर जक्खड़ साहब हम इनसे पूछते हैं जश्न आज़ादी के ऊपर इनके ख्याल का इज़हार लेते हैं बसमिल्ल राहीम शुक्रिया जश्न आज़ादी की बहुत बड़ी अहमियत है आप देखें कि आज से तकरीबन छिहत्तर साल पहले हमने ये पाकिस्तान हासिल किया और पाकिस्तान हासिल करने पे सबसे पहले मैं एलियान पाकिस्तान और ख़ासकर एलिया शुजाबाद उन तमाम लोगों को पाकिस्तान की जो जो सालगिरा है इस पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अब बात रही आज़ादी की तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने आज़ादी कैसे हासिल की मैंने पाकिस्तान बनते देखा अगर आप उसको उठा कर देखे तो बहुत सारे बुज़ुर्गों के उसके अंदर अपना व्यूज़ हैं वो लिखते हैं कि हमने रात की तारीख़ी में जब हम बाहर निकले थे जब हमें हमारे ऊपर सिखों ने हमला किया जब हमारे ऊपर हिंदुओं ने हमला किया तो हम जो है ना अपना एक लश्कर की सूरत में बाहर निकले हमारे वो सामने आ जाते थे हमें वो कतल कत्ल कर देते थे हमारे बहुत सारे लोगों ने द्रया जमुना में छलांगे लगा दी अपने आप को बचाने के लिए तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमने पाकिस्तान हासिल किया आज छिहत्तर साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए और ये इस दिन मनाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि हमने अपने अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना है कि हमने ये मुल्क कैसे हासिल किया आप नौजवान नस्ल जितनी भी है हमारे इन्होंने तो आज़ादी में सांस लिया है आप अपने बुज़ुर्गों से पूछे अपने महाजरीन भाइयों से पूछा जिन्होंने अपनी जायदादें अपनी जागीरें और अपना सब कुछ बेच कर सिर्फ इस्लाम और आज़ादी की खातर यहाँ पर आए तो आज़ादी बहुत बड़ी नमत है मैं तमाम दोस्तों से यही कहूँगा अपने नौजवान नस्ल से कि वो पाकिस्तान की सालगराह को हर साल मनाएँ पाकिस्तान की तमीर तरक्की के लिए काम करें और मैं कोशिश अपना उम्मीद करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान इन ना बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा अभी मेरे बच्चे ने कहा था कि इंडिया और हिंदू ये चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा लेकिन अलहमदिल्ला आज छिहत्तर साल हो गया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम है और कायम रहेगा और इन श्ला रहती दुनिया तक तरक्की के मनाजिल तय करेगा थैंक यू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहेगा इन शाह आपको बताता चलूँ नाजरीन ये वो कॉलेज है जो डॉक्टर इंजीनियर और ना जाने कितने शोबों में काबिल तरीन बंदे बनाकर भेज रहा है और यहाँ पर तलबा और तलबात दोनों तालीम हासिल करते हैं अल्लाह का शुक्र है कि वो मुल्क के नाम रोशन कर रहे हैं और तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है पंजाब कॉलेज और यही नहीं कि सिर्फ शुजाबाद लेवल पर इस कॉलेज को जानते हैं पूरा पंजाब लेवल पर एक ब्रांड है कॉलेज का नाम है तो हमारे पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर हैं मुबशर साहब मैं चाहूँगा कि नौजवान नसल को, को पैगाम दे असलकम मैं सब सब लोगों को चौदह अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ अब ये जो आज़ादी है इसके लिए हमारे अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है लेकिन यह है कि आज़ादी के नेमत का हक़ अदा करने का तरीका ये है कि हम जिस भी शोबा ज़िंदगी में जो जो काम करते हैं जो भी फ़र्ज जहाँ है वो दयाानतदारी से काम करें अगर हम अपनी अपनी जगह पर दयाानत से काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा आजकल हम देखते हैं हर दूसरा बंदा इस मुल्क से आज़ादी हासिल करने के लिए बेताब बैठा है जिसका हर किसी की कोशिश होती है मैं किसी ना किसी तरह इस मुल्क से निकल जाऊँ कहीं और चला जाऊँ लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि हर कोई अपनी जगह अगर दयाानत से काम नहीं करेगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता हम सिर्फ हुक्मरान इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं हम सब अपनी अपनी जगह दयान से अगर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा सिर्फ हुक्मरान हुक्मरानों के सर पे पर ज़िम्मेदारी नहीं छोड़ सकते जी शुक्रिया अब मैं चाहूँगा हमारे वकास भट्टी प्रोफेसर वकास भट्टी साहब से कि वो नौजवानों को क्या पैगाम देते हैं यकना आप दो वय नस्तैन जैसा कि आप लोगों को पता है कि उन्नीस के बाद इतनी कुर्बानियों के बाद हमारे फोर फादर ने अपनी गिरद कटा दी बहुत हमारे मुसलमानों के साथ स्तम किए गए थे उसके बाद यह मुल्क हमें मिला है हमें इस पाकिस्तान इस्लामी जमूर पाकिस्तान को अगर आगे लेकर चलना है तो सबसे पहले हमारे अंदर इतफाक होना चाहिए और इतफाक कैसे होगा आपने सेक्टर को ख़त्म करना है आपने ऐसे एलिगेशन जो हमारी नई नस्लों के अंदर पैदा किए जा रहे हैं उसके एंटी खड़ा होना है और अपने हक़ हाँ और राय की आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है ताकि हमारा मुल्क एक सीधे ट्रैक पर चल सके जाए आप लोगों के सामने एक पाकिस्तान जो है एक एटमी आट, आट, पावर है जो कि इस टाइम सारी दुनिया को खटक रहा है और इसको अगर आगे लेकर चलना है क्योंकि ये फिफ्टी सेवन कंट्रीज़ की नुमाइंदगी करता है पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ी स्टेट है हमारे मुस्लिम रियासतों के साथ देख लें हर जगह जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं इसकी

हमने मुल्क पाकिस्तान तो हासिल कर लिया लेकिन जिस मकसद के लिए हमने हासिल किया उस मकसद को हम भूल गए और सर ने जिस तरह बात की कि हमारा मुल्क किस तरह तरक्की कर सकता है हम जब मिलकर और एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व याज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंद नवाज जब हमारी तकसीम ख़त्म होगी जब हम एक दूसरे के भाई भाई बन जाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारा मुल्क इस तरह तरक्की करेगा फिर इसके ऊपर जवाल नहीं गया आएगा तो हम इस बात से जो है ना शेर पढ़ कर बात ख़त्म करेंगे हम खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब हम खून दिल दे के निखारेंगे बरखे गुरगे गुलाब हमने गुलशन के तहफ़ की कसम खाई है जजाक अच्छा अब मैं एक नारा लगवा रहा हूँ श... प्रोफेसर शहबाज भट्टी साहब से ये नारा लगाएंगे आपने जवाब देना है। पाकिस्तान पंजाब कॉलेज पाकिस्तान का मतलब क्या जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे 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 पाकिस्तान पंजाब कॉलेज पंजाब कॉलेज हमारी आन हमारी शान पाकिस्तार, पाकिस्तार। इस टाइम हम जी पाकिस्तान के साथ पंजाब कॉलेज में तकरीब परचम कुशाई कर रहे हैं तो हमारे डायरेक्टर हैं मुबशर साहब और उनके हमरा है जनाब राणा सरवर जक्कर साहब कायम प्रिंसिपल और उनके साथ प्रोफेसर भट्टी साहब और तमाम प्रोफेसर साहबान और तलबा सारे ही मौजूद हैं जश्न आज़ादी की परचम कुछाई की तकरीब में जी पाकिस्तान 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 अच्छा अम्बेर जनाब कैमरामैन मैन एजाज अहमद के साथ दिलशाद खान जी पाकिस्तान मुल्तान